भारत कैसे बढ़ेगा आगे, इसी उद्देश्य के साथ राइजिंग स्टार कॉन्क्लेव एंड अवार्ड्स 2024 की शुरुआत की गई, जो राइजिंग स्टार कम्युनिकेशन द्वारा प्रस्तुत और राइजिंग स्टार यूथ फाउंडेशन द्वारा संचालित किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न उद्योग के दिग्गज, सरकारी अधिकारी और प्रतिष्ठित वक्ताओं ने मंच से अपने विचार साझा किए। इस सम्मेलन में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। साथ ही कैबिनेट मंत्री धर्मवीर प्रजापति, नितिन अग्रवाल, दानिश आजाद अंसारी, संजय निषाद, राकेश सचान के साथ कई अन्य गणमान्य हस्तियों ने शिरकत की। कार्यक्रम में बशेष गाला, सुरेश मंशारमानी, रजत सिन्हा, आशीष अग्रवाल, संजय कथूरिया और किसलय पांडे जैसे वक्ताओं ने राष्ट्रीय विचार और देश की तरक्की को लेकर अपने विचार साझा किए। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने जो थीम रखा, भारत ग्रो कैसे करेगा, तो मैं दुर्वेश यही कहता हूँ कि ये तीन चीज अगर हमारा यूथ फॉलो करता है 100% गारंटेड भारत ग्रो करेगा। सर यही चीज मैं लंदन में कहा, यूएसए में कहा और इंडिया में हर शहर में कहता हूँ दुर्वेश जी, तीन चीज, एजुकेशन, एनवायरमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप। जिस दिन हम ये तीन चीज को पकड़ेंगे हम विश्व गुरु भी बनेंगे और हम लाइफ एंजॉय भी करेंगे। एजुकेशन जैसे मंत्री जी कहते हैं, स्कूल वाला एजुकेशन सिर्फ काफी नहीं है। जैसे हमारे पास आज एक डॉक्टर बहन है, वो बोलते हैं घर में संस्कार से एजुकेशन होता है। आपके घर में अगर हम रामायण भगवत गीता से बात करते हैं वो एजुकेशन होता है। राइट स्किल होना चाहिए। इमेजिन करो 15 साल पहले बहुत एजुकेशन था तो भी टीसीएस को एक साल आदमी को हायर करने के बाद नहीं, एक साल उसे ट्रेन करना पड़ता है, क्योंकि हमारे एजुकेशन में वो स्किल अब डेवलप हो रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, स्किल इंडिया अब आ रहा है। तो एजुकेशन के साथ साथ सेकेंड, जैसे मंत्री जी से भी हमारा बात हुआ था, एनवायरनमेंट को हम लाइटली ले ही नहीं सकते, प्रकृति है, उसका आशीर्वाद है तो हम आगे बढ़ पाएंगे। जल से लेके, वायु से लेके, अग्नि से लेके, हवा, एक को भी प्रदूषित कर दिया तो आप इमेजिन करो आयुष 10 साल खराब हो गए, लंग कैंसर हो रहा है, लोगों को नई नई बीमारियां हो रही है, क्योंकि हमने प्रकृति का रिस्पेक्ट नहीं रखा। तो एनवायरनमेंट को भी साथ में लेना है। एंड थर्ड, जैसे मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप एक सबसे बड़ा पुण्य का काम है। जिस दिन हम ये संस्कार डालेंगे कि शायद मुझे करोड़पति नहीं बनना है, ठीक है, लेकिन मैं लाखों लोगों के दिल के छूंगा, उन्हें मदद करूंगा, उनको वैल्यू दूंगा और दुआ कमाऊंगा, आप ऊपर वाले के नजर में करोड़पति बन जाएंगे। और जैसे मंत्री साहब ने कहा, जन जन